मंतर का इलाका और यहां पहलवानों का धरना प्रदर्शन। बीती रात की बात की जाए तो पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। उनका क्या कहना है आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवान पिछले 10 से ज़्यादा दिन से धरने पर बैठे हैं। मांग वही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कल देर रात वहां पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस पर, जो पहलवान धरने पर बैठे हैं। बातचीत के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री हैं राजकुमार आनंद जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, कल जो वहाँ घटनाक्रम हुआ आप जानते ही होंगे, सब जगह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की पहलवानों के साथ। दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की पहलवानों के साथ, ये बात सारे मीडिया में है और हमें भी पता लगा। और बात तो यह है कि जो महिलाओं के साथ, जो बिटियों के साथ, बहनों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिन लोगों ने किया है, उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? वो बीजेपी में इसलिए उनको सज़ा नहीं मिलती, उनको सज़ा जल्द से जल्द दिलाया जाए, ये मामला धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि किसी और के धरना प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। खाली आम आदमी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे देश के लोग उनको छोड़ के आज खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। वो क्या हाईजैक करना चाहते हैं? सारे लोग पार्टियों में जुड़े हुए हैं। अरे, एक इमोशनल चीज़ होती है, इमोशन से जुड़े हुए हैं भारतीय, तो वैसे भी इमोशनल होते हैं। आज आप उनको, जिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको आप सजा दिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से मदद किए आश्वासन भी दिया है, रात में सोमनाथ भारती भी पहुंचे थे, बोल रहे हैं कि उसके बाद वो सब हंगामा हुआ है। देखिए, दिल्ली सरकार हर उस जगह पर खड़ी है जहाँ संविधान को चीर चीर किया जा रहा हो, संविधान के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ हर जगह दिल्ली सरकार खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खड़ी है। बीजेपी कह रही है चुनाव है इसलिए इसको ज़्यादा राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, फिर हरियाणा में भी चुनाव है, मुद्दा उठाएंगे क्या इसका? तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी इसलिए ब्रजभूषण को बचा रही है कि चुनाव आने वाले हैं, उनका एक MP ना चला जाए। ये क्या बात हुई, चुनाव से इसका क्या मतलब है? चुनाव आ रहा है इसलिए वो अपने लोगों को बचा रहे हैं कि चुनाव के लिए हमारे कैंडिडेट कम हो जाएंगे। अरे, जिसका गलती है उसको सजा दिलाओ। तो बिल्कुल, कल रात का जो घटना क्रम हुआ था जंतर मंतर, बेहद ही शर्मनाक था। आरोप लगाए जा रहे हैं पहलवानों की तरफ से कि दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। कैमरामैन ललित के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।